गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री चैप्टर 3। ड्रॉ फोकस ऑन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था, उस पर आपको फोकस करना है। आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज्ड अ पुलिस अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया। लॉर्ड वर्लीस ने इंडिया में परमानेंट पुलिस फोर्स का को ऑर्गेनाइज किया था। इन 1791 अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर कलकत्ता वाज अपॉइंटेड। 1791 में कलकत्ता में सबसे पहले सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया। एंड देन सिटीज वर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ कोतवाल, और जो शहर थे वो कोतवाल के अंडर में कर दिए गए। दरोगास वर इन चार्ज ऑफ थानास, जो दरोगा थे वो थाना के इंचार्ज बनाए गए। और सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द हेरिडिटरी विलेज पुलिसमैन बिकम द चौकीदार। जो गांव के बासिंदे थे यानी जो परमानेंट गांव के लोग थे उनको चौकीदार बनाया गया। दो द पुलिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि पुलिस लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखने वाली थी, इसलिए इट नेवर बिकेम पॉपुलर विद पीपल। ये कभी लोगों से ज्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाती थी, क्योंकि उनको पूरे शहर का पूरे गांव का लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना होता था। बिकॉज ऑफ करप्शन एंड हरेसमेंट ऑफ कॉमन पीपल, क्योंकि लोगों में करप्शन ना फैल जाए, किसी तरह की कोई लड़ाई दंगा ना हो जाए, इसके लिए पुलिस नियुक्त की गई थी। और वो किसी भी तरह से आम पब्लिक के साथ ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी, ज्यादा मेल जोल नहीं खाती थी। नाउ होमवर्क में आपको क्वेश्चन नोट करना है, आंसर और लर्न करना है।